Right now, and press the bell icon. Never miss an update. So hey guys, welcome back to our channel, The Expertise Talk. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दो भाई जो एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं फिर भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं. हम सब अपने घर में सुनते हैं कि संगति का असर सब पे पड़ता है, लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं है कि किसी संगति में, फ्रेंड सर्कल में सबका माइंडसेट या बिहेवियर एग्जैक्टली सेम ही हो. तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें औरों से इतना अलग बनाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है साइकोलॉजी. तो पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है. असल में साइकोलॉजी तो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, साइकी और लोगस. इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ सोल. ये तो थी एंशियंट डेफिनेशन. अब बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की. सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स माइंड. मतलब साइकोलॉजी एक साइंस है, एक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, उसके माइंड के बारे में पढ़ते हैं. अब हम समझते हैं कि समाज में, सोसाइटी में साइकोलॉजी का क्या रोल है. तो सोशल साइकोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, लोग खुद को एक सोसाइटी में क्या समझते हैं. और सोशल साइकोलॉजी हमें ये भी समझने में हेल्प करती है कि कैसे कुछ फेमस लोग जैसे नरेंद्र मोदी, एलन मस्क, सुंदर पिचाई का सोसाइटी पर, समाज पर इतना ज्यादा असर पड़ता है. तो इन चीजों को और अच्छे समझने के लिए हमें पहले साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा. 16th सेंचुरी तक साइकोलॉजी को फिलॉसफी का ही पार्ट माना जाता था, बट 17th सेंचुरी में साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाना शुरू किया गया. साइकोलॉजी का एज अ सेपरेट सब्जेक्ट सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया गया, और इंडिया का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही बना था. इस डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद काफी और यूनिवर्सिटीज ने भी साइकोलॉजी को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया. विल्हेम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी पर बहुत सारी अच्छी बुक्स लिखी हैं, और उनके रिसर्चेस को आज भी उतना ही रेलेवेंट माना जाता है जितना कि पहले माना जाता था. वुंड ने 1879 में जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेपजिग. बहुत बड़ा नाम था. ये सबसे पहली लेबोरेटरी थी जो कि साइकोलॉजी पे रिसर्च के लिए डेडिकेटेड थी, और इसी लेबोरेटरी की ओपनिंग को ही मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत माना जाता है. अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट होते कौन हैं और वो इंडिविजुअल्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं. साइकोलॉजी की फील्ड में एक स्पेसिफिक डिग्री लेने के बाद लोग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट्स लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर को पहचानकर उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हेल्प करते हैं. तो अब बारी आती है करियर ऑप्शंस जो हमें साइकोलॉजी पढ़ने से मिल सकते हैं. यू कैन बिकम साइकोलॉजिस्ट आफ्टर ऑल. अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप फाइनली साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और आप साइकोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर और भी काफी प्रोफेशनल स्ट्रीम्स ऑप्ट कर सकते हैं. सबसे लास्ट में हम ये समझते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, जिससे हम अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं. अ चेंज फॉर द गुड. एट लास्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस पूरे मंथ हम आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड और काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने जा रहे हैं. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.